अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आज हमारे साथ असबर मौजूद हैं और आप सब देख रहे हैं सोशल मीडिया पे आजकल बड़ा एक चल रहा है कि 100K पे असबर पहुंच गए। आज हमने केक कटिंग सेरेमनी भी किया है, सो मुझे भी बड़ी एक्साइटमेंट हो रही है कि इनके पास ऐसी तो कोई बातें होंगी जिससे आप भी उस 100K तक पहुँच सकें। तो असबर, कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच दानिया कि आपने मुझे मौका दिया अपनी ऑडियंस के साथ इंट्रोड्यूस करने का, फर्स्ट ऑफ ऑल। और उसके बाद आपका क्वेश्चन ये था कि 100K पर डेफिनेटली सब कुछ पहुंचना चाहते हैं। अब सबसे पहला क्वेश्चन ना, ऑडियंस आपके पास 1000 हॉल में बैठे हुए हैं, उससे पहला सवाल मैं करता हूँ, कितने लोग हैं जिन्होंने यूट्यूब चैनल बनाया? 100% लोग हाथ खड़ा कर देते हैं। अब मैं कहता हूँ कितने लोग हैं जो कि 1 वीडियो डाल चुके हैं उसके ऊपर खुद बना के, तो आप यकीन करें कि 70% हाथ नीचे होता है। अब क्या है जी, काम तो हर कोई करना चाहता है पर जो उसका प्रोसेस है ना उसको नहीं समझते। तो सबसे पहली मिसकंसेप्शन क्या होती है कि जो नया आता है वो लोगों का कंटेंट उठाते हैं, उसे काटते छाटते और अपलोड करते हैं। अब वो उनका अपना होता नहीं है, आप कॉपीराइट स्ट्राइक्स और क्योंकि आप किसी का कंटेंट नहीं यूज़ कर सकते, मुश्किल हो गया। तो बेसिकली क्या है, सिंपल सा फंडा है कि आपने अपना कॉन्टेंट बनाना है। अब आपको कुछ पता है नहीं पता है, सिर्फ और सिर्फ जितनी आपके पास इन्फॉर्मेशन है, जिस लेवल की इन्फॉर्मेशन है वो आपने अपलोड कर दी है। मैं किसी की बात नहीं करूंगा, अपनी एग्जांपल दूंगा। मैंने 4 साल पहले यूट्यूब चैनल शुरू किया, मैं डिजिटल एजेंसी ओन करता हूं और 20 साल से जो है वो डिजिटल मार्केटिंग के साथ रिलेटेड। तो मैंने कहा कि टाइम बहुत कम होता है, आना तो है यूट्यूब पर, मेरी कैपेसिटी है 1 वीडियो पर वीक बनाने की, बस इससे ज़्यादा मैं अफोर्ड नहीं कर सकूँगा, मैनेज नहीं कर सकूँगा। मैंने 2.5 साल 1 वीडियो पर वीक डाली और स्लो 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 चल रहा था सारा कुछ। फिर मैं उधर गया दुबई में नेस समिट में, 1 बिलियन समिट भी हुआ अभी, तो मैंने नेस डेली, आप सब लोग जानते हैं वीडियो देखते हैं, तो मैंने कहा देखें मैं इस पैटर्न पे चलता हूँ, मुझे बताएं मुझे कितना टाइम लगेगा स्पीड पकड़ने में। उन्होंने कहा आपको अगले 3 साल और लगेंगे। क्यों भाई, उसका बताओ सोल्यूशन क्या है। तो उन्होंने कहा कि देखें भाई अल्गोरिदम जो है ना वो क्वांटिटी मांगता है, बिल्कुल आपको क्वांटिटी देनी पड़ेगी। मैंने कहा अच्छा कितना कर सकते हैं, कह रहे डेली की एक, मैंने कहा पॉसिबल नहीं है। उन्होंने कहा अच्छा फिर ऐसा करें वीक की 4 कम अज़ कम होनी चाहिए। बस वो आया, मैं मोटिवेट हुआ था कि मुझे करना है और मुझे सिर्फ और सिर्फ 8 महीने लगे 30K से 100K जाने। वेरी गुड। तो बेसिकली आपको क्वांटिटी चाहिए, उस क्वांटिटी और कंसिस्टेंसी के साथ आप कंटेंट अपलोड करते रहें। और सेकेंडली, यूट्यूब इतना नहीं देगा जितना कि फेसबुक आपको रीच देता है, तो सारे प्लेटफॉर्म को एट अ टाइम लेके चलना है आपने, और सारे प्लेटफॉर्म जो है वो आपको पैसे देंगे। कंसिस्टेंसी ये भी बताएं कि आगे अब किस प्लेटफॉर्म को आप देख रहे हैं जो कंटेंट क्रिएटर्स के लिए सबसे बड़ा हो? बिल्कुल, जो हमारी जो है वो हमें जो टास्क मिला हुआ है बेसिकली, थोड़ा बहुत जो है वो मेटा के साथ भी लिंक में रहते हैं, तो मेटा का जो नेक्स्ट टारगेट है बेसिकली डिबेट भी यही थी। अभी मैं पिछले महीने भी दुबई में था तो उन्होंने कहा कि जी फेसबुक को शॉर्ट फॉर्म कंटेंट चाहिए, लॉन्ग फॉर्म की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि टिकटॉक इतना बड़ा हो गया है कि आप उसे कम्पीट नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना है कि छोटी वीडियोज़ जो है ना वो जल्दी पेनिट्रेट कर जाती है सिस्टम में, तो 1 मिनट की वीडियो बनाते जाएं और आपने 1 मिनट की वीडियो रिकॉर्ड की, उसमें किसी प्लेटफॉर्म का नाम ना ले, बस ये कहें लाइक करो शेयर करो। आपने उसे इंस्टाग्राम पे शेयर करना, फेसबुक पे शेयर करना, स्नैपचैट पे शेयर करना है, उसके अलावा शॉर्ट्स पे शेयर करना है, यूट्यूब पर, जितने प्लेटफॉर्म अवेलेबल है उन सब पे वही कॉन्टेंट शेयर करते जाएं। जितनी ज्यादा क्वान्टिटी अपलोड करेंगे उतना ज्यादा जल्दी रिजल्ट आएगा। माशाल्लाह, देखिए यार, गुरु ने आपको खुद बता दिए हैं कि क्या गुण है, तो आप इनको जरूर सीखें। इतना आसान तरीका उन्होंने बताया कि एक ही वीडियो बनाएं, ब्रांड का नाम लें ना लें, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे पब्लिश कर दें। अल्लाह खैर सलाह। थैंक यू सो मच असबर, बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको बहुत रखिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। dankash.com 0304 111 5786